हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके प्यारे चैनल दीपक बायोलॉजी क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे एक इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन जो कि रिलेटेड है असिस्टेंट प्रोफेसर से, और हम देखेंगे कौन कौन से यूनिवर्सिटी में या इंस्टीट्यूट में जो असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड जो वैकेंसी है, जो कि परमानेंट और रेगुलर वैकेंसी है, वो निकाली गई है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ऑल पे, ताकि आप मेरे कोई भी वीडियो को मिस ना कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। तो जो सबसे पहला एडवर्टाइजमेंट है वो है हिस्लॉप कॉलेज नागपुर से, जिसमें इन्होंने आर्ट्स, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, लॉ, साइंस, सोशल साइंस, लाइब्रेरी साइंस, लैंग्वेज, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, तो ये सब क्या है, इन सब के लिए सब्जेक्ट्स के लिए जो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी है वो निकाली गई है। ठीक है, तो ये कॉलेज जो है, ये जो कॉलेज है नागपुर में प्रेजेंट है, नागपुर में है। और देखिए इन्होंने क्या बोला है कि एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट फॉर द फॉलोइंग पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। तो देखिए इन्होंने यहाँ पे सब्जेक्ट मेंशन कर रखे हैं। तो जो सब्जेक्ट है वो है कॉमर्स, जूलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, कॉमर्स, बीबीए, केमिस्ट्री, बॉटनी। और साथ ही साथ इन्होंने जो पोस्ट है वो सारी पोस्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर की, साथ ही साथ इन्होंने जो वैकेंसी है या पोस्ट है वो भी मेंशन कर रखी। देखिए कॉमर्स में 2 है, जूलॉजी में 3, बायोकेमिस्ट्री में 3, बायोटेक्नोलॉजी में 2, बॉटनी में 3। ठीक है, अब देखिए जो नेचर ऑफ पोस्ट है वो इन्होंने अब ऑलरेडी बता चुके हैं कि ये फुल टाइम है, रेगुलर पोस्ट है, और जो नेचर ऑफ वैकेंसी है वो क्लियर नॉन ग्रांटेड है, और जो कैटेगरी है वो ओपन है। ठीक है, इसके साथ देखिए इन्होंने क्या किया है, जितनी भी जो भी पोस्ट है उनका उन्होंने कैटेगरी भी लगा रखा है, दे रखा है, जैसे सारी पोस्ट जो है ओपन है। ठीक है, ओपन मतलब यहाँ पे कोई भी इन्होंने बोला है जो वैकेंसीज हैं वो सारी ओपन है। अब जो एडवर्टाइजमेंट है वो फर्स्ट टाइम है। अब बात कर लेते हैं हम लोग पे स्केल की, तो अगर आप इसका पे स्केल देखेंगे तो ये जो पे स्केल आपको मिलेगा अगर आपका सिलेक्शन होता है तो ये एज पर यूजीसी एंड स्टेट गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ही मिलेगा। इसके साथ ही इन्होंने एसेंशियल क्वालिफिकेशन भी दी है, तो ए और बी दो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए एसेंशियल। तो पहली तो आपको मास्टर डिग्री होनी चाहिए विद 55% मार्क्स। ठीक है, दूसरा जो आपने को सेम सब्जेक्ट में आपको नेट क्वालिफाई होना मैंडेटरी है। ठीक है, तो सीएसआई यूजीसी जो नेट कराता है वो एग्जाम जो है आपको क्वालिफाई होना जरूरी है। ठीक है, तो ये हो गई एक क्वालिफिकेशन। और इस पर इन्होंने बोला है कि अगर आपने 2009 से पहले रजिस्टर किया है, ठीक है, प्रोवाइडेड अ कैंडिडेट रजिस्टर फॉर द पीएचडी प्रोग्राम प्रायर टू 11 जुलाई 2019, तो अगर आपने 11 जुलाई 2009 से पहले आपका पीएचडी रजिस्ट्रेशन है तो आपको नेट के लिए कोई भी जरूरत नहीं है, आप अपनी पीएचडी से भी एलिजिबल हैं, आपको तब यहाँ पे नेट रिक्वायरमेंट नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद इन्होंने अगर बी एलिजिबिलिटी देख लें तो बी एलिजिबिलिटी में इन्होंने बोला है अगर आपने इंडिया से पीएचडी नहीं की है, आपने किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से पीएचडी की है, तो आपका यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट को 500 रैंकिंग में आना चाहिए। ठीक है, यानी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जो कि क्यूएस रैंकिंग, टीएचई, एआरडब्ल्यूयू, ये तीनों के एजेंसी है वो रैंकिंग डिसाइड करती है। तो अगर आपने पीएचडी को ऐसी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से किया है जो टॉप 500 में आता है इन तीनों रैंकिंग में, तब भी आपके यहाँ पे इसके लिए एलिजिबल है, तब आपको यहाँ पे नेट या क्वालिफाई होना जरूरी नहीं है। ठीक, इसके बाद इन्होंने एज रिलैक्सेशन भी दिया है, तो 5% में भी प्रोवाइडेड एट द ग्रेजुएट एंड मास्टर लेवल फॉर द एससी एंड एसटी और डिफरेंसली एबल्ड पीपल के लिए इन्होंने 5% का जो है वो रिलैक्सेशन भी दिया है। ठीक है, तो बाकी कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। बाकी अगर हम बात करें तो एप्लीकेशन की, तो इसके लिए आपको एक प्लेन पेपर पे अपना परफॉर्मेंस सीवी लिखना है और आपको भेजना है प्रिंसिपल, डीन, डायरेक्टर ऑन द एड्रेस गिवन बिलो ऑन और बिफोर डेटेड 25 सितंबर। तो आपका जो एप्लीकेशन है वो हार्ड कॉपी आपको भेजना पड़ेगा 25 सितंबर 2020 से पहले। साथ ही साथ आपको यहाँ पोस्टर ऑर्डर भी 100 रुपीज का बनवाना है, और किसके फेवर में बनवाना है वो है प्रिंसिपल, डीन, डायरेक्टर एंड सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ द रिलेवेंट सर्टिफिकेट। ठीक है, तो आपको जो ड्राफ्ट या पोस्टल ऑर्डर बनाना है वो इन फेवर ऑफ प्रिंसिपल ऑब्लिक डीन ऑब्लिक डायरेक्टर के फेवर में बनवाना है। और साथ ही साथ अपना आपको सीवी के साथ साथ आपको अपने सर्टिफिकेट या टेस्टिमोनियल, जो भी आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट या नेट या गेट आपने क्वालिफाई किया है तो उसका जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वो भी आपको भेजना है। ठीक है, साथ में अपने टेस्टिमोनियल्स भी आपको भेजनी है, जैसे 10th, 12th, बीएससी, एमएससी की मार्कशीट्स। ठीक है,
इसके बाद इन्होंने बोला दोज हु आर ऑलरेडी इन एम्प्लॉयमेंट, यानी कि जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं अगर वो यहाँ पे जॉब करना चाहते हैं तो उन्हें नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो नोटिफिकेशन आया था ये 5 सितंबर को रिलीज किया गया था। तो अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो जरूर आप इसके लिए अप्लाई करिए, क्योंकि जो पोस्ट यहाँ पे दे रखी है ये सब रेगुलर पोस्ट हैं और परमानेंट पोस्ट है। तो आप यहाँ पे जो है अगर आप इनमें से किसी भी सब्जेक्ट के लिए अगर आप एलिजिबल हैं तो यहाँ पे आप जरूर अप्लाई करिए। तो चलिए हम देख लेते हैं दूसरा नोटिफिकेशन। तो दूसरा नोटिफिकेशन है वो फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर श्री श्री यूनिवर्सिटी से है। ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला है कि श्री श्री यूनिवर्सिटी इज यंग एंड डायनेमिक इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश विद अ गोल टू प्रोवाइड होलिस्टिक एजुकेशन स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट। वी आर लुकिंग फॉर इंडिविजुअल टू प्रमोट एक्सलेंस टीचिंग रिसर्च एंड इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग इन द फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, तो ओपन पोजीशन इन्होंने दी है प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर इन द एरियाज ऑफ एग्रोनॉमी, सोयल साइंस, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। तो इन्होंने देखिए जितनी पोजिशन है, जितने सब्जेक्ट्स हैं, मोस्टली जितने जो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड सब्जेक्ट हैं सब में जो है वो ओपन पोजिशन निकाली है। ठीक है, यानी सब में जो है वो पोस्ट निकाली है। तो देखिए एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में भी है, स्टेटिस्टिक्स में भी है, हॉर्टिकल्चर में, प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स, एंटोमोलॉजी, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, प्लांट पैथोलॉजी, लाइव स्टॉक एंड एनिमल साइंसेज, एनवायरमेंटल साइंसेज एंड एग्रोमेटेरियोलॉजी, एग्री बिजनेस, फूड न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स। तो देखिए इन सारे सब्जेक्ट्स के लिए इन्होंने जो है ओपन पोजीशन निकाली है। अब बात कर लेते क्वालिफिकेशन की। तो क्वालिफिकेशन है पीएचडी और मास्टर होना चाहिए आपका रिलेवेंट डिसिप्लिन में, जो भी आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करें, जिस भी सब्जेक्ट के लिए। सपोज आपने सोयल साइंस में अप्लाई किया है तो आपका एमएससी भी सोयल साइंस में होना चाहिए, और जो पीएचडी है वो भी आपका सोयल साइंस में होना चाहिए। ठीक है, अलॉन्ग विद बेसिक डिग्री इन बीएससी इन एग्रीकल्चर, और साथ ही साथ आपका जो बीएससी है वो एग्रीकल्चर में ही होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि अगर आप जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री से किए हैं तो आपको यहाँ पे प्रेफरेंस नहीं मिलेगा और आप यहाँ के लिए इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो आपका बीएससी भी यहाँ पे एग्रीकल्चर ही होना चाहिए विद टीचिंग एंड रिसर्च एक्सपीरियंस एज पर आईसीएआर यूजीसी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। और इन्होंने बोला है आपका पास साथ ही साथ आपको आईसीएआर नेट भी होना चाहिए, और साथ ही साथ अगर आपने सीएसआई या यूजीसी नेट क्वालिफाई किया है तो इन दोनों में इसको एक जो है वो आपको होना चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करें अदर रिक्वायरमेंट की, तो अदर रिक्वायरमेंट है अगर आपने कोई भी इंटरनेशनल जर्नल में पेपर पब्लिश किए हैं, ठीक है, तो वो भी आप जो है वो सेंड कर सकते हैं, या अगर आपको है आपके पास तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। इसके बाद कंडक्ट ट्रेनिंग एंड वर्कशॉप एट रेगुलर इंटरवल थ्रू एक्सटर्नली सोर्स फंड फॉर द एक्टिविटीज, शुड हैव इंटरेस्ट टू डेवलप इनोवेटिव टीचिंग मॉड्यूल्स और रिसर्च फैसिलिटी इन हिज एरिया ऑफ एक्सपर्टाइज। तो इसके बाद इन्होंने जो है पूरी रिक्वायरमेंट यहाँ पे दे रखी है, अगर आप इन रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते तो आपको यहाँ पे प्रेफरेंस जरूर मिलेगा। और सैलरी जो है वो आपको डिपेंड करता है कॉम्पिटेटिव कंपनसेट विद द एक्सपीरियंस एकेडमिक कैंसिलियर। ठीक है, तो सैलरी जो है वो कॉम्पिटेटिव है और इट डिपेंड्स ऑन द एक्सपीरियंस एंड द एकेडमिक क्रेडेंशियल्स। दे विल वी विल आल्सो कंसिडर एक्सेप्शनल कैंडिडेट विद मास्टर डिग्री इन एग्रीकल्चर विद आईसीएआर नेट क्वालिफाइड कैंडिडेट एज फैकल्टी फेलो। ओके, तो यहाँ पे देखिए इन्होंने क्या बोला है कि अगर किसी ने एमएससी भी किया एग्रीकल्चर में और उसने आईसीआर नेट या यूजीसी नेट क्वालिफाई किया है तो भी वो उन्हें कंसीडर करेंगे एज अ फैकल्टी फेलो, एज अ कॉन्ट्रैक्चुअल। लेकिन इसके साथ ही अगर आपको और भी कुछ ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप जो है www.sriuniversity.edu.in/careers पे जाके जो है डिटेल में नोटिफिकेशन देख सकते हैं। ठीक है, इसके साथ ही साथ आपको एप्लीकेशन सेंड करना है बाई मेल jobs@sriuniversity.edu.in पर। पोजीशन विल रिमेन ओपन अंटिल फील्ड। तो इन्होंने देखिए कोई भी लास्ट डेट नहीं मेंशन की है, इन्होंने बोला है कि जब भी जो पोजीशन है जब तक कंप्लीट नहीं हो जाएगी जब तक ये ओपन रहेगी। ठीक है, प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू सेंड सबमिट एप्लीकेशन फॉर कंसिडरेशन टू फैकल्टी ओपनिंग इन फैकल्टी वेरियस डिसिप्लिन। ठीक है, तो इसके बाद क्या करना है कि आपको जो अपना जो भी आपके पास टेस्टिमोनियल्स हैं या जो भी आपको सीवी है या जो पेपर पब्लिश है उन सबका जो सॉफ्ट कॉपी आप इस मेल आईडी पे सेंड कर दीजिए। ठीक है, तो ये मैंने आपके साथ डिस्कस किया, जो टू यूनिवर्सिटीज में जो फैकल्टी पोजीशन निकली थी मैंने वो आपके साथ डिस्कस किया। तो अगर आप इन सब पोस्टों के लिए अगर आप एलिजिबल हैं और अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई करिए। ठीक है, तो यहीं पे मेरा वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें बिना ना जाएं। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।